साथियों नमस्कार, सीएस तक नाम है मेरा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर, मैकेनिकल की फैकल्टी हूँ। साथियों, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इस बार का टॉपिक है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। चारों स्ट्रोक के इसके डिस्कस करने से पहले इनमें जो डिफरेंस है, जो थोड़ा मूलभूत डिफरेंस होता है दोनों में, पेट्रोल और डीजल इंजन में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप हम जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में जब इग्निशन के लिए स्पार्किंग प्लग का यूज़ करते हैं, जबकि डीजल इंजन में जो कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर का टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाती है, इसलिए इसमें स्पार्क प्लग का यूज़ नहीं होता। इंस्टीट उसके लिए हमको फ्यूल इंजेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर जिस समय पंप करता है फ्यूल सिलेंडर में, उस समय अंदर का प्रेशर बहुत हाई होता है, तो फ्यूल इंजेक्टर को अंदर पंप करने के लिए एक फ्यूल पंप की आवश्यकता भी होती है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके चारों स्ट्रोक के बारे में। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रोक है इसका इनटेक या सक्शन स्ट्रोक। इसमें जैसे इनलेट वाल्व खुला रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है, और सिलेंडर अपने टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट करता है। इस मूवमेंट से जो एक तरह का सक्शन अंदर क्रिएट होता है सिलेंडर के अंदर, वो सक करता है चार्ज को। और सबसे बड़ी बात है, इसमें चार्ज केवल एयर होता है, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और एयर का मिक्स होता है, जबकि डीजल इंजन में चार्ज केवल एयर होता है। तो एयर को ये सक कर लेता है। तो फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक में जब ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर की तरफ पहुंचता है, तो ये फर्स्ट स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके बाद दोनों वाल्व क्लोज हो जाते हैं, और उसके बाद जो अंदर जो चार्ज है उसको कंप्रेस किया जाता है। तो इसमें इसका पिस्टन का मूवमेंट बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ होता है। टॉप डेड सेंटर पर पहुंचने पर इसका एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और उसी पॉइंट पे फ्यूल इंजेक्टर द्वारा फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है डीजल। इससे इनका दहन होता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, और जो गैसेज होती हैं वो पुश करती हैं जिसको पिस्टन को साउथवर्ड मतलब डाउनवर्ड्स। तो पिस्टन का मूवमेंट, ये थर्ड स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, पिस्टन का मूवमेंट टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है, और यही मेन वर्किंग स्ट्रोक होता है जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। इसी से हम लोगों ये इंजन से पावर प्राप्त होती है। तो जब इस पावर स्ट्रोक में जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे पहुंच जाता है, तो पावर स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फोर स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में होता है जो दग गैसें या जो फ्ल्यू गैसेस, जो जली हुई गैसेस और जो जली हुआ डीजल फ्यूल वगैरह जो सिलेंडर के अंदर होता है, तो उनको पुश करना बाहर, इसका पर्पस होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक का। तो इसमें इनलेट वाल्व क्लोज होता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, और पिस्टन का मूवमेंट बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ आता है। तो जो बची कुची गैसें होती हैं जली हुई, वो सारा एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाती है। ये फोर स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नया वापस साइकिल वही इनटेक स्ट्रोक या इनटेक या सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन और पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो साथियों, ये तो हुआ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।